न्यूज रैंकिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता शर्मा। देखिए हमारी दिन भर की फटाफट खबरें फटाफट अंदाज में। करिश्मा कपूर की क्रिसमस पार्टी में मलाइका अरोड़ा के साथ गए अर्जुन कपूर कोरोना पॉजिटिव हो गए। अर्जुन को पिछले साल भी कोरोना हुआ था। अर्जुन के अलावा उनकी बहन अंशुला कपूर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई। चाचा अनिल कपूर की बेटी रिया और उनके पति करण बुलानी भी संक्रमित हैं। अर्जुन का घर बीएमसी ने सील कर दिया। साथ ही कपूर सिबलिंग्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बीएमसी ने अर्जुन कपूर के घर का सैनिटाइजेशन शुरू कर दिया। अनिल और बोनी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पहले अर्जुन कपूर एक होटल में स्टे कर रहे थे, जहां उनके एक प्रोजेक्ट की नए शूटिंग चल रही थी। अब वे आइसोलेशन में हैं। हथियारबंद नकाबपोश लुटेरों ने मंगलवार रात को कलेक्शन एजेंट से मारपीट कर करीब 1.5 लाख रुपए लूटे, फिर कानोता के पास ही सुमेल गांव के सरपंच पूर्व सरपंच का अपहरण कर लिया। सरपंच को घटनास्थल से करीब 45 किलोमीटर दूर दोसाहा जिले में सड़क किनारे पटक दिया, जबकि पूर्व सरपंच को साथ ले गए। बदमाशों ने किडनैप पूर्व सरपंच के परिजनों को फोन कर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए 5 लाख रुपये फिरौती मांगे। पुलिस ने बताया कि देर रात यह पेमेंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए धमकाया। लूट अपहरण और फिरौती की सूचना मिलने पर उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे गाने से मशहूर हुए सहदेव दिर्दो का मंगलवार रात एक्सीडेंट हो गया। सहदेव का जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। वह अभी आईसीयू में एडमिट है। बताया जा रहा है कि उसे सिर में गंभीर चोटें आई हैं। सिर में 8 टांके भी लगे हैं। खून का थक्का जमा हुआ है। हालांकि सहदेव अभी होश में है और परिजनों से थोड़ी बहुत बात भी कर रहे हैं। मशहूर रैपर बादशाह भी लगातार फोन पर सहदेव का हेल्थ अपडेट ले रहे हैं। राजस्थान में तृतीय श्रेणी की 31,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जनवरी में शुरू होगी। इसमें लेवल 1 में 16,000 और लेवल 2 में 15,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने बताया कि पदों की क्लासिफिकेशन का अंतिम चरण है। शिक्षा विभाग जनवरी में भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगा। ऐसे में नए साल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 33 जिलों में रिक्त पदों के हिसाब से 31,000 पदों पर भर्ती निकाली जाएंगी। सेंचुरियन में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट के चौथे दिन का खेल जारी। दूसरी पारी में टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 79 रन और टीम 209 रनों से आगे। अजिंक्य रहाणे 0 और चेतेश्वर पुजारा 12 के स्कोर पर नाबाद। 29वें ओवर में अफ्रीकी टीम ने विराट कोहली के खिलाफ LBW की जोरदार अपील की। गेंदबाजी पर कगिस और आबाड़ा थे। अंपायर के नॉट आउट देने पर कप्तान डीन एगलर्ट ने तुरंत DRS लेने का फैसला किया। रिप्ले में नजर आया कि गेंद स्टंप के ऊपर हिस्से को हिट कर रही थी। अंपायर के निर्णय को ही बरकरार रखा गया। फटाफट खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।